हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर अंशु। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आप कौन सा सिम यूज़ करती हैं, कौन सा नेट यूज़ करती हैं। बहुत से लोगों ने जियो के बारे में मैं इन्फॉर्म करूँ क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में, तो बस वही मैं उन्हें बहुत सर्च करके, और वैसे मैं खुद भी जियो ही सिम यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए जियो के लिए एक जानकारी लेके आई हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब लोगों के साथ होती है। हम जब किसी इंसान का बेसब्री से फ़ोन का वेट कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हाँ बस कॉल आने वाली है, और जब फ़ोन की घंटी बजती है उसके बाद जब हम कॉल अटेंड करते हैं, बहुत खुश होकर अटेंड करते हैं कि इसको हम वेट कर रहे हैं, उसका कॉल आ गया, लेकिन फिर क्या देखते हैं, वो किसी कंपनी का कॉल होगा, बैंक का कॉल होगा, सिर्फ अपना ऐड करने के लिए, कोई प्रोडक्ट का लेके हो या अपनी कोई उनकी नई चीज़ लॉन्च हुई हो, इस चीज़ को लेके वो लोग कॉल कर देते हैं। उस टाइम पर गुस्सा तो बहुत आता है, मुझे भी बहुत आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी वजह से हम डू नॉट DNT जैसी सर्विस को लगा सकते हैं जिसमें अनचाहे कॉल और मैसेजों को हम ब्लॉक करवा सकते हैं। वैसे भी सभी फ़ोन की कंपनियों ने DND सर्विस उपलब्ध कराई हुई है, लेकिन उनका प्रोसीजर इतना ज़्यादा लंबा होता है कि आदमी थक के बैठ जाता है कि भाई चलो छोड़ो मुझे नहीं करना। तो इसीलिए जियो ने क्या क्या है, जियो ने एक माई जियो ऐप जो आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप सिर्फ आपको कौन सी सुविधा एक्टिव करानी है, कौन सी सुविधा एक्टिव नहीं करानी है, इस चीज़ के लिए जियो ने अलग से एक ऐप बनाया हुआ है। तो आप प्ले स्टोर खोलिए, जल्दी से जियो ऐप को डाउनलोड कीजिए और जियो के मेन्यू में जाइए, वहाँ से आप सेटिंग खोलिए। आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ आपके हिसाब से किसी भी ऑप्शन पर DND एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप बैंक SMS और बैंक कॉल को ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑन का बटन आएगा, ऑन ऑफ दोनों बटन होंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसे पर्सनल कॉल और SMS होते हैं जिन्हें हम नहीं रिसीव करना चाहता, हमें नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक अलग से पेज बनाया हुआ है, उसे भी आप DND ऑप्शन में डीएक्टिवेट कुछ भी करवा सकते हैं। आप उन कॉल और SMS को भी बंद करवा सकते हैं। इसके बाद जियो की तरफ से आपको एक रिक्वेस्टेड कन्फर्म SMS आएगा, बस आपको 7 दिनों के अंदर वो सारी सर्विस उपलब्ध करा दी जाएंगी बिना किसी झिझक के और बिना किसी परेशानियों के। आपको सिर्फ़ एक माई जियो ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर में जाके। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।